सैंडविच तैयार हो चुके हैं। ये हमारा सैंडविच है और दोस्तों ये हमारा हॉट डॉग है, दोस्तों ये हमारा मैगी है। दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे आप चीज डलवाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा 10 रुपए लगेंगे, लेकिन काफी हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रतापगढ़ जायका सफर में छोटे बड़े आप पहुंचे हैं बॉम्बे सैंडविच एंड पिज्जा कॉर्नर पर। तो दोस्तों यहाँ की चीजों को टेस्ट करने, तो चलिए यहीं के ओनर से बात करते हैं और यहाँ की चीजों को टेस्ट करते हैं। तो चलिए आइए यहीं के ओनर से बात करते हैं। आइए, क्या अपना शुभ नाम बताइए? वहीद खान नाम है मेरा। अंकल जी बोलते हैं, गुड्डू बोलते हैं आपको। अंकल जी बताइए, दुकान खोलने को आपको आइडिया कैसे आया? बम्बई से करता था काम इसको। अच्छा, बॉम्बे से 17 साल वहीं काम किए। अच्छा, 15 साल यहाँ हो गए हमको। मतलब बॉम्बे में आप बहुत साल उस करते थे, उसके बाद यहाँ पे आके अंकल जी ने प्रतापगढ़ में दुकान खोली है। अंकल जी बताइए यहाँ पे आपको दुकान चलाते हुए कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। यहाँ पे 15 साल हो गए। अंकल ने जैसे बताया कि यहाँ पे 15 साल हो गए। दोस्तों मुझे जहाँ तक मुझे मालूम चल रहा है, दोस्तों पिज्जा और बर्गर की ऐसी दुकान यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रतापगढ़ सबसे पहले अंकल जी ही लेके आए थे। अंकल जी मैंने सही कहा? पिज्जा और बर्गर वगैरह चीजें सबसे पहले आप ही लेके आए थे। तो अंकल जी आपकी यहाँ की फेमस चीजें क्या है? हमारे यहाँ पिज्जा भी फेमस है, मैगी भी फेमस है। अच्छा, सैंडविच भी फेमस है। सैंडविच भी फेमस है। इसमें जो है ना वेजिटेबल और चटनी दोनों सब्जी खिलाते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारा यहाँ पे हॉट डॉग तैयार हो रहा है। अंकल जी ग्रीन वाली चटनी लगा रहे हैं और इसमें सारी चीज़ों को मिलाया हुआ है। जैसे इसमें आप शिमला मिर्च देख पा रहे हैं, प्याज देख पा रहे हैं, टमाटर देख पा रहे हैं और अंकल जी इसमें पनीर के टुकड़े भी दिख रहे हैं मुझे। अंकल जी ये हॉट डॉग का प्राइस कितना है? 35 रुपये, मतलब 35 रुपये में। दोस्तों आप देख पा रहे हैं प्रतापगढ़ में हॉट डॉग दोस्तों कहीं नहीं मिलता। ये आलू की टिक्की डाल रहे हैं अंकल जी आप? इससे सारी चीज़ों को हल्दी वल्दी डाल के मिक्स करके बनाए रहते हैं आप। अंकल जी जो आप क्रीम यूज कर रहे हैं किस कंपनी का? ये क्रीम का है। यहाँ पे ओवन में रखा जाएगा कितना देर? ये रखा जाएगा भैया कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा हॉट डॉग ओवन में चला जा चुका है जो कि 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो चलिए दूसरा आइटम लगवाते हैं अपना मैगी। अंकल जी आप हमारा मैगी लगा दीजिए आप। जो बड़े का जो मनपसंद मैगी है जो 2 मिनट में तैयार हो जाए। छोटे वाकई ने बता दूं अंकल जो मैगी बना रहे, क्या अंकल जी वाकई में 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाती है? 5-7 मिनट लग जाती है। 5-7 मिनट लग जाती है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं ऐड तो यही आता है कि 2 मिनट में मैगी तैयार। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं जो यहाँ की मैगी है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अंकल जी मैं बता दूं प्रतापगढ़ में ऐसी कोई दुकान ही नहीं है जहाँ पे मैगी बनती हो, कोई बना के देता हो। मैंने अंकल जी सही बोला? ठीक। मैगी ऐसा कहीं नहीं मिलता किसी दुकान पे। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं लेकिन मैगी कहीं पे नहीं मिलता। अंकल जी इस मैगी का रेट क्या है? 25 रुपये, 25 रुपये में। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 25 रुपये में बहुत ही लाजीज और स्वादिष्ट मैगी देखने को यहाँ मिलती है। तो अंकल जी यहाँ पे सारी चीज़ें काट रहे हैं जो इसमें डालेंगे। प्याज काट रहे हैं, शिमला मिर्च काट रहे हैं। अंकल जी ये बताइए ज्यादातर प्रतापगढ़ के लोग क्या पसंद करते हैं, मैगी पसंद करते हैं कि सैंडविच? सैंडविच पसंद करते हैं। तो अंकल जी जब आप प्रतापगढ़ में शुरुआत किए थे दुकान, यही 2-3 चीज किए थे सारी चीजें शुरुआत किए थे आप? मैंने किया था पिज्जा और बर्गर और सैंडविच से। मतलब 3 चीज से आपने स्टार्टिंग की थी, मतलब अब कई मतलब 15 साल के अंदर आपने 1-2 चीज को बढ़ाया है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारी मैगी यहाँ पे तैयार हो रही है। इसमें अंकल जी नमक डाल रहे हैं सब स्वाद अनुसार। अंकल जी आप मैगी में अपने मसाले भी डालते हैं आप? अपने मसाले को डालते हैं। अच्छा, अंकल जी अपने स्पेशल मसाले डालते हैं जो मैगी में अलग से टेस्ट लाता है, बहुत ज़्यादा लजीज। तो देश को देख पा रहे हैं देखने में कितना अच्छा। अंकल जी इस मैगी में कितने लोग खा सकते हैं वैसे? जैसे आप 2 लोग खा सकते हैं। 2 लोग खा सकते हैं, मतलब इतनी क्वांटिटी है कि 2 लोग खा सकते हैं अच्छे से। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे मैगी तैयार हो रहा है जो कि लगभग अंकल जी जैसे ने बताया कि 3-4 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो चलिए अपना सैंडविच लगवाते हैं। तो अंकल जी हमारा तीसरा आइटम लगा दीजिए आप। तो छोटे पास से दिखा दे एकदम। अंकल जी जो ब्रेड यूज करते हैं आप किस कंपनी का? ये मक्खन मलाई की है। मक्खन मलाई का है। अंकल जी जो आप इसमें मक्खन लगा रहे हैं उसका किस कंपनी का है? अमूल का है। दोस्तों अमूल मक्खन तो हमारे भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, आपको हर जगह अमूल ही अमूल दिखेगा। इसमें ग्रीन चटनी डाल रहे हैं भैया अंकल जी लगा रहे हैं। अंकल जी जो चटनी रहती है किस चीज़ की बनाया जाता है? ये धनिया और मिर्चा और चाकू पीस कर अलग टारगेट होता है इसका, अपना बनाने का एक अलग। अच्छा, इसमें अपना अब मिश्रण आपका अलग है जो आपके सीक्रेट मसाले हैं इसमें चीज़ों को डालते हैं। ये आलू की टिक्की है जो मेस करके आप रखे हैं जो लगा रहे हैं सैंडविच में।
अंकल जी सैंडविच का प्राइस कितना है आपके यहाँ? 30 रुपये में है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो यहाँ का सैंडविच का जो प्राइस है वो 30 रुपये मात्र। अंकल जी इसमें प्याज डाल रहे हैं काट के अब, और इसमें शिमला मिर्च को भी डालेंगे। लगभग जितनी चीज़ें हॉट डॉग में पड़ती हैं जो काट के छोटे छोटे, इसमें पड़ते हैं बड़े बड़े स्लाइस में ना अंकल जी। तो दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे टमाटर डाला जा रहा है हमारे सैंडविच में। अंकल जी कितनी देर में तैयार हो जाता होगा ये सैंडविच? 2-4 मिनट लगते हैं। 2-4 मिनट में तैयार हो जाता है? ये भी ओवन में ही पकता होगा? अच्छा ग्रिल में पकता है? अच्छा ग्रिल भी बनती है? अच्छा ग्रिल भी बनती है, ग्रिल सैंडविच बनती है। क्रीम डाल रहे हैं देख पा रहे हैं भैया कितने अच्छे से डाल रहे हैं। क्या अंकल जी आप चीज़ भी डालते हैं? आप चीज जो मांगते हैं उसको डाल देते हैं। अच्छा जो चीज का रहता होगा उसका अलग प्राइस रहता होगा अंकल? 40 रुपीज है वो, 40 रुपये हो जाता है, 30 रुपये से बढ़ के 10 रुपये बढ़ जाता है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं अंकल जी हमारे लिए चीज डाल रहे हैं स्पेशली। दोस्तों देखने में देखिए कितना क्वांटिटी लग रहा है, मतलब 30 रुपये में इतनी बड़ी क्वांटिटी। दोस्तों मैं बता दूं ये 40 रुपये में है जो कि चीज़ भैया अंकल जी डाले हैं इसलिए। तो आप देख पा रहे हैं ये जो मशीन है जिसमें ग्रिल किया जाता है, ये हमारा हॉट डॉग तैयार हो चुका है। दोस्तों देख पा रहे हैं कितना देखने में एकदम एकदम अच्छे से पक चुका है और अच्छा देखने में भी लग रहा है। तो अंकल जी इसे आप काटेंगे। तो दोस्तों लगभग हमारी मैगी भी यहाँ तैयार हो चुकी है, लगभग 3-4 मिनट हुए। अंकल जी अभी कितना इसमें टाइम लगेगा कि बन चुका है? बन चुका है। तो दोस्तों हमारी यहाँ मैगी और हॉट डॉग दोनों तैयार हो चुका है, तो हमारा तीसरा आइटम जो कि सैंडविच तैयार हो चुका है, सिर्फ उसे ग्रिल किया जाएगा। तो दोस्तों हमारी मैगी यहाँ पे लगभग तैयार हो चुकी है पूरी तरह से, जो कि इसका कॉस्ट 25 रुपये है मात्र। दोस्तों मैं बता दूँ यहाँ की मैगी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। दोस्तों इस दुकान पे आप आना चाहते हैं तो मैं यहाँ आने का पता बता दूँ, बाबागंज हनुमान मंदिर के जस्ट बगल केसरवानी स्वीट्स के जस्ट बगल ये दुकान है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे केसरवानी मोबाइल गैलरी दुकान की जस्ट सटी हुई दुकान है। आप भैया की भी दुकान दिखा दीजिए थोड़ा यहाँ पे। तो दोस्तों इसी सटी हुई दुकान है भैया, ये दिखा दीजिए बॉम्बे पिज्जा एंड सैंडविच। दोस्तों दोनों दुकानें सटी हुई हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे आके सारी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं आप। अंकल जी जैसे कह रहे हैं आप चीज़ महंगी खाना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगी, उसका क्या प्राइस रहता है अंकल जी वैसे? 10 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। 10 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। दोस्तों आप किसी भी चीज़ में चीज़ एक्स्ट्रा डलवाएंगे तो 10 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग सिंपल मैगी बनवाएं अपना, देख लीजिए कितना देखने में अच्छा लग रहा है। अंकल जी सर्व कर दिया हमारी मैगी, तो हमारा लास्ट आइटम वो सैंडविच बचा हुआ है जो कि ग्रिल किया जाएगा, जो कि जो ग्रिल वाली मशीन है वो गर्म हो रही है अभी ना अंकल जी। यहाँ पे हमारा हॉट डॉग प्लेट में लग चुका है, अंकल जी सर्व करेंगे इसे अब थोड़ा चीज़ डाल के। दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे आप चीज़ डलवाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा 10 रुपये लगेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में अंकल जी यहाँ पे चीज़ भी डाल के देते हैं। तो हमारा दो आइटम तो तैयार हो चुका है, चलिए तीसरा आइटम लगवाते हैं। अंकल जी हमारा सैंडविच ग्रिल कर दीजिए अब। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये अभी गर्म ही हो रहा है ग्रिल मशीन। अंकल जी लगभग ये कितने देर में गर्म हो जाता है? 5 मिनट लगता है, एक बार गर्म हो जाए तो 4 बार निकलते हैं। अच्छा मतलब गर्म होने में थोड़ा समय लगता है एक बार। अंकल जी ये बताइए आपको यहाँ दुकान 15 साल से चलाते हो, आपको कैसे कस्टमर मिलते हैं? जी हम यहाँ शुरू से जब काम किए हैं, ठेले लगा के काम किए। हाँ मैंने देखा था आप सामने जस्ट वहाँ पे लगाए थे जहाँ पे आज पूड़ी की दुकान है, आपकी दुकान वहाँ हुआ करती थी। मेरा बचपन था तब मैं आपके यहाँ आता था, तब से मैं जान रहा हूँ आपको। तो बता दूं अंकल जी की बहुत पुरानी दुकान है। दोस्तों यहाँ की चीज़ों को आपने टेस्ट किया ही होगा, मुझे उसमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ की चीज़ों को टेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर आएँ और अंकल जी के हाथों से आप यहाँ की चीज़ों को टेस्ट करें। तो दोस्तों हमारा सैंडविच ग्रिल मशीन में जा चुका है, लगभग 2-3 मिनट लगेगा इससे तैयार होने में। तो चलिए इसको तैयार होने देते हैं, उसके बाद तीनों चीज़ को साथ में टेस्ट करते हैं। बड़े तो इसमें हाथ डालेगा अपना? अरे हाथ डालेंगे, छोटे तो जल जाएगा, कैसे हाथ डाले दिखा देता हूँ तुझे मैं एक बार, देखो
देखने में कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, मैं खुद ही बना ले रहा हूँ यहाँ सैंडविच अपना, देख लीजिए खुद बना रहा हूँ, कैसे लग रहा हूँ इसे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी फूड ब्लॉगिंग वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो क्वालिटी थोड़ा आपको अच्छा ना लगे तो दोस्तों इसको अवॉइड कर दीजिएगा, और क्योंकि रात है और आप समझ सकते हैं इसको कि अभी हमने नया स्टार्ट किया है। तो चलिए तीनों चीज़ को बनने देते हैं, उसके बाद टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं हमारे यहाँ सैंडविच पक रहा है। अंकल जी कितना देर में तैयार हो जाएगा? लगभग दो चार मिनट लगेगा। दो चार मिनट लगेगा लगभग लगभग दोस्तों तैयार ही हो चुका है। तो चलिए प्लेट पे लगवाते हैं और तीनों चीज़ों को लगवाते हैं और टेस्ट करते हैं। तो चलो छोटा टेस्ट किया जाएगा, तू भी टेस्ट करेगा आज? हाँ बड़े। तो चल तीनों चीज़ें लगवाते हैं, अपना टेस्ट करते हैं। छोटे मैं बता दूँ इतना चीज़ डलवा दिया है कि आज खा खा के मोटे हो जाएंगे हम लोग। ठीक है बड़े। तो दोस्तों मैंने सोचा यहाँ के चीज़ों को टेस्ट करने से पहले यहाँ पे भैया एक आए थे जो यहाँ की चीज़ों को टेस्ट करने आए थे। भैया आप यहाँ पे क्या खाने आए थे? पिज्ज़ा। पिज्ज़ा खाने आए थे आप? लगभग यहाँ पे पिज्ज़ा कितना दिनों से खा रहे हैं भैया आप? एक आध महीना हो गया। आपको पिज्ज़ा अच्छा लगता है यहाँ का? और क्या, और चीज़ें आपको क्या पसंद है यहाँ की? पिज़्ज़ा हो गया, सैंडविच वगैरह, मतलब काफ़ी सारे आइटम काफ़ी चीज़ें आपको पसंद हैं यहाँ पे, लगभग एक महीने से आ रहे हैं। ये अपना शुभ नाम बताइए आप? अभिजीत सिंह। भैया ये बताइए आपको यहाँ की चीज़ों को क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा? हाँ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा आपको कितना अच्छा लगता है पिज़्ज़ा भैया यहाँ पे? जी हम यहाँ आते हैं तो वही खरीदते हैं, मतलब वही चीज़ खाते ही हैं। आपने यहाँ प्रतापगढ़ में और भी जगहों का पिज़्ज़ा खाया होगा? जी। आपको सबसे अच्छा टेस्ट यहाँ का लगता है और कहीं का? यहीं का लगता है। यहीं का लगता है। लगभग कितने दिनों से आ रहे हैं आप? दो साल से लगभग यहाँ पिज्जा ही खाते हैं आप? हाँ। और भी चीज़ें आपको यहाँ की नहीं पसंद है? है लेकिन वही ज़्यादा पिज्जा आपको पसंद है? जी। तो चलिए दोस्तों यहाँ काफ़ी अच्छे रिव्यू आ रहे हैं तो अपनी चीज़ें लग चुकी हैं, तो चलिए टेस्ट ही करते हैं अपनी चीज़ें। तो दोस्तों देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पे तीनों चीज़ लग चुकी है। छोटे थोड़ा पास से दिखा दे दोस्तों, ये बता दूँ ये हमारा सैंडविच है जो कि इसकी कीमत 30 रुपये है। दोस्तों ये हमारा हॉट डॉग है जो कि इसकी कीमत 35 रुपये है। दोस्तों ये हमारी मैगी जो कि दो मिनट में तैयार हो जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अंकल जी इसे 7 मिनट में तैयार करके दिए हैं जो कि इसकी कीमत मात्र 25 रुपये है। दोस्तों यहाँ की तीनों चीज़ों को टेस्ट करते हैं, और सबसे पहले दोस्तों हम टेस्ट करेंगे यहाँ का सैंडविच। तो चलिए दोस्तों यहाँ का सैंडविच टेस्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसे है। दोस्तों इससे पहले मैं यहाँ आने का एक बार पता बता दूँ आपको, जस्ट बाबागंज हनुमान मंदिर के जस्ट बगल सामने आपको केसर वाणी स्वीट्स के बगल की दुकान देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ का सैंडविच टेस्ट करते हैं। दोस्तों वाकई में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, और खाने में बहुत ज़्यादा क्रंची लग रहा है दोस्तों। खाने में दोस्तों आपको आवाज़ तक यहाँ तक सुनाई दी होगी कि जब मैंने एक बाइट लिया बहुत अच्छी ककराने की आवाज़ आई है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है दोस्तों। इसमें जो सारी चीज़ों को डाला गया है, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर वमाटर, उसका स्वाद बहुत ज़्यादा निखर के आ रहा है। दोस्तों मैं बता दूँ इसमें चीज़ भी डाले अंकल, उसका स्वाद भी बहुत निखर के आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपसे खुद ही कहूँगा कि दोस्तों यहाँ पे आएँ तो यहाँ की चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ का सैंडविच भी टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपना दूसरा आइटम यहाँ का टेस्ट करते हैं। दोस्तों अपनी प्यारी मैगी जो 2 मिनट में तैयार हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अंकल जी से लगभग 5 से 7 मिनट में तैयार करके दिए हैं। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसे है। तो छोटे तू मैगी टेस्ट करेगा? छोटे देख पा रहा है 2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी जो कि अंकल जी ने आज बनाया है हमारे लिए। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा इसका टेस्ट। दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग मैगी को खाने आते हैं, क्योंकि मैगी एक ऐसी चीज़ है जो प्रतापगढ़ में कहीं नहीं मिलती इस दुकान को छोड़ के। तो चलिए दोस्तों अपनी मैगी को टेस्ट करते हैं। मज़ा आ रहा छोटे वाकई में, तुझे आज इसे खाएगा तेरी आज दावत है छोटे, समझ ले आज तेरा पेट तो फूल ही जाएगा, तू आज मोटा ही हो जाएगा। दोस्तों आप क्यों देरी कर रहे हैं? दोस्तों आपको यहाँ की चीज़ों को खाना हो तो दोस्तों आप जल्द से जल्द यहाँ पे आएँ और यहाँ की चीज़ों को टेस्ट करें। दोस्तों मैं बता दूँ मैगी का स्वाद तो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। हम लोग ऐसा मैगी घर पे तो नहीं बना सकते बिल्कुल ही, क्योंकि दोस्तों इसमें जो अलग से अंकल जी मसाले डाले हैं उसका स्वाद बहुत निखर के आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अपना तीसरा आइटम टेस्ट करते हैं। दोस्तों हॉट डॉग, दोस्तों मैं बता दूं मैंने आज तक हॉट डॉग अभी तक आज तक खाया ही नहीं है, क्योंकि प्रतापगढ़ में मैं कहीं जानता ही नहीं था कि कहीं हॉट डॉग और मिलता है। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग सबसे पहली बार हॉट डॉग को टेस्ट करेंगे। छोटे क्या तूने हॉट डॉग खाया कभी? नहीं बड़े। तो चल छोटे पहले मैं टेस्ट करता हूँ, उसके बाद तुझसे भी टेस्ट करवाता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ का हॉट डॉग टेस्ट करते हैं जो कि इसकी कीमत 35 रुपये है दोस्तों, और आप इसमें चीज़ डलवाएंगे तो 10 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। वाह वाह मज़ा आ रहा छोटे, दिल छूने वाली चीज़ें बना रहे हैं अंकल जी, मैं बता रहा हूँ बॉम्बे का स्वाद प्रतापगढ़ में दे रहे हैं अंकल जी।
बॉम्बे में 17 साल काम किए हैं, उसके बाद आप यहाँ पे 15 साल से दुकान यहाँ पे प्रॉपर चला रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ों को बनाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी दोस्तों, वाकई ये यकीनन यहाँ पे चीज़ें आएँ तो आप यहाँ की चीज़ों को रिकमेंड मैं करूँगा कि आप यहाँ का सैंडविच और यहाँ की मैगी को तो ज़रूर टेस्ट करें। आप हॉट डॉग को भी टेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सैंडविच और मैगी दो चीज़ें ऐसी हैं जो अंकल की बहुत ही ज़्यादा, मैं रेटिंग की बात करूँ 10 में से 10 दूंगा इन मैगी और सैंडविच की, और हॉट डॉग को मैं भी रेटिंग दूंगा, मैं 9 नंबर दूंगा दोस्तों। लेकिन आप यहाँ पे आएँ, यहाँ की चीज़ों को टेस्ट करें दोस्तों। आपको मेरी ऐसी फूड ब्लॉगिंग वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को यार लाइक कर दो यार, और प्रतापगढ़ के तो सोच कह रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए यार। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, बस।